देश आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भरता के लिए जैसे इस साल हमने फैसला किया, हमने दलहन उत्पादक राज्यों के साथ बैठक की और तय किया कि तुअर तूर अरहर अलग अलग नाम है, मसूर और उड़द तीनों जितनी किसान पैदा करेगा पूरी खरीदेंगे, रजिस्ट्रेशन करा ले पूरा का पूरा खरीदेंगे, कोई सीमा नहीं। हमने कृषि का विविधीकरण हो, फलों की खेती, फूलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, कृषि वानिकी, उसके साथ मधुमक्खी पालन, मछली पालन, बांस मिशन का हमारा काम चल रहा है, कई राज्यों ने हजारों हेक्टर में और महाराज जैसे राज्य में तो अब वो लाखों तक पहुंच रहा बांस का उत्पादन भी कर, तो परंपरागत फसलों के साथ साथ हम बागवानी की, हॉर्टिकल्चर की और बाकी फसलें भी उत्पादित करें उसके प्रयत्न में हम लोग लगे हैं। हॉर्टिकल्चर की फसल में एक दिक्कत आती है, अच्छे पौधे नहीं मिलते थे लोगों, क्लीन प्लांट अंग्रेजी में कहते हैं, स्वच्छ पौध, किसी नर्सरी से ले लिया और पता चला वो उतना अच्छा था ही नहीं और किसान परेशान हो जाता, पैसा भी खर्चा हो जाता है। तो हमने एक योजना इन्हीं सौदेवी के अंदर काम की, क्लीन प्लांट की स्वच्छ पौध उपलब्ध कराएंगे, 9 अत्याधुनिक सेंटर बना रहे हैं अलग अलग फसलों में और उनके माध्यम से 4 साल के अंदर अंदर हम 4 से 6 करोड़ अलग अलग हॉर्टिकल्चर की फसलों के अच्छे प्लांट जो रोगों का मुकाबला कर सके उनको उपलब्ध कराने का काम करेंगे, क्योंकि कृषि विविधीकरण का साहस वो तभी करेगा। संरक्षित खेती उसके लिए और फिर प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना उसके अंतर्गत किसानों को सहायता ये उपलब्ध कराने का काम किया है। और एक विषय और जो महत्वपूर्ण है,